सोलह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अच्छा स्टीप पिन कनेक्टर जब इस तरह हो तो आप लोगों के पास में टेस्टर होना चाहिए ठीक है। टेस्टर का एक पॉइंट आपने एक दो तीन चार में लगाना है जी सर। दूसरा पॉइंट एक दो तीन चार में लगाना है यानी कि इसमें एक वायर लगाना है और इसमें एक वायर लगाना है पांच में लगाना है वो चिपलेट का ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा लाइट लाइट को कैसे जोड़ करेंगे इस दौरान क्या होगा एक बीएस की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अगर आप इसको फायर पे करते हो या इसको फायर पे करते हो तो चेक इंजन की लाइट ब्लिंक कर दी है यस सर। आपने चेक इंजन को नहीं करना आपने एबीएस को करना है ठीक है सर। वो बेशक अगर आप इसको इस पे कर दो दरमियान में टेस्टर में लाइट होना चाहिए ठीक है डायरेक्ट वायर नहीं लगाना चेक इंजन की लाइट ब्लिंक करेगा कोई मसला नहीं है निकाल के इस पे कर दो एबीएस का एबीएस का लाइट कर देगा फिर भी नहीं करता इसको निकाल के यहाँ कर दो इसको यहाँ ले आओ फिर भी नहीं करता इसको निकाल के यहाँ ले आओ यहाँ ले गाड़ी का पिंक चेंज किया लेकिन होता इन चारों में जब मैं बीएस क्लाइट बैंक करना शुरू कर दे तो आपने गिनती शुरू कर देना ठीक है। गिनती किस तरह शुरू करनी है बीएस क्लाइट एक दफा बैंक करेगी फिर करेगी फिर थोड़ा वेट कर लेगी फिर एक दफा करेगी इसका मतलब क्या है 31 कोड इसका आ गया तो 31 को किस चीज़ का है राइट साइड का आगे वाले सेंसर इस अगर दूसरे टायर का है तो एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा फिर थोड़ा गैप फिर एक दफ़ा फिर दो दफ़ा बत्तीस अगर किसी को याद ना आए तो फिर मतलब कैसे गिनती है फिर तो दोबारा फिर अपनी गिनती शुरू कर देता है एक दो तीन फिर थोड़ा वेट फिर एक दो फिर बंद हो जाता है फिर एक दो तीन फिर एक दो तो आपने समझ में आया बत्तीस को बत्तीस किस चीज़ का है लेफ्ट साइड का इसी तरह 33 हो गई है सब पीछे राइट सब कर दो तो सर एक दो तीन एक दो तीन चार इसका मतलब 34 हो गया यस सर। वो किस टाइप का हो गया लेफ्ट लेफ्ट पीछे बैक राइट बैक ठीक है। इस तरह अगर एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार कौन सा हो गया राइट कौन सा हो गया चौवन 54 ये सोलेनोइड का इस तरह एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सर्कट का अंदर जो एबीएस के इस तरह एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः कौन सा 46 सेवन मोटर का सोलेनोइड सर्कट से मुराद जो उसके अंदर प्रेशर देता है ऑयल को हर टायर का लेदर सोलेनोइड होता है ईबीएस के अंदर जिस टायर को जितना ऑयल चाहिए और सोलेनोइड उसको प्रेस करके ना उतना ऑयल देता है सोलेनोइड अगर लीक हो जाए तो फिर भी ईबीएस का या रिमोट सर ये ईबीएस में मोटर के अंदर लगा हुआ मोटर के अंदर लगा है सोलेनोइड ये गियर वाला सोलेनोइड नहीं है लेकिन काम इसका ये है कि हर टायर का लेदर सोलेनोइड है जो टायर स्लिप होने पाता है तो सेंसर सोलेनोइड को बताता है कि आप ऑयल कम करना छोड़ दो ठीक है। सेंसर बताता है सोलेनोइड को सोलेनोइड से फिर ऑयल प्रेशर कम हो जाता है जब आप ब्रेक दबाते हो तो पहले सबसे पहले सोलेनोइड को इंडिकेशन होता है कि भाई अब ऑयल दे दो सोलेनोइड क्या करता है आगे टायर को ऑयल पहुंचाता है आगे से सेंसर स्लिप करने पे आता है टायर स्लिप करने पे आता है सेंसर फिर कहता है उससे कि भाई अब ऑयल ना दो तो सोलेनोइड जो है ना फिर अपना काम छोड़ देता है इस तरह गाड़ी के ना ईबीएस का सेंसर का शुरू कर हां सर और ये सर्किट जो केबल है डीसी कनेक्टर जहाँ पर लगता है इसका ईबीएस का अपना जिसमें बहुत ज़्यादा वायर है एक दो तीन चार वो निकलने पाए थे यहाँ पे एक ग्रिप टिप आया था इसमें वायरस से बहुत ज़्यादा उसकी पीछे सर्कट बनी ना आई सी अंदर सर्कट हाँ इसमें ज़्यादा कोई मसला हो जाए तो वो ये कोड दे देता है सर ये भी ईबीएस के अंदर होता है ये सर्कट जहाँ पे हम ग्रिप नहीं लगाते बड़ा ग्रिप यस सर मोटर का है सोलेनोइड और ये कौन सा है इसको थोड़ा लिखो सर्कट का सर्कट मोटर ये कौन सा सर्कट
एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, फिफ्टी सिक्स और फोर, ये सर कट का मोटर का 54 चल रहा है सर, इसके अंदर ये सब बिल है, इसका कौन सा आएगा 54, ये मोटर है इसके अंदर, इसे कौन सा आएगा 46। सोलेनॉइड के अंदर जहाँ से ये पाइप निकलते हैं इसके अंदर सोलेनॉइड है जो ऑयल थ्रो करते हैं, देख नजर आ रहे हैं यस सर ऑयल थ्रो करते हैं, तो ये कौन सा है 54 ये है, इसके बाद 31 32 33 34 किस चीज़ के टायरों के हैं, ठीक है, मैनुअल तरीका है लेकिन सिर्फ टोयोटा में है, XLI GLI टोयोटा में जितने भी आते हैं जितनी आगे जो है ना ये उस तक रिव्यू तक तो मैंने खुद किया डालो चालू तक जितनी भी इसमें टोयोटा आई है 95 96 2001 2000 GLI और 2006 GLI 2007 2013 तक GLI अल्टस ग्रैंडी और मार्क ये जो है ना एक्स करोला प्रेमो एक्सियो वगैरह, हाँ जी विड्स, इन सब में जो है ना मैंने खुद की अपने हाथों से तो डाले तक मैंने किया था, उस पर काम कर गया, होंडा शोंडा में काम नहीं करता, होंडा में स्कैनर लगाना पड़ता है, ठीक है, ये इसका मेन तरीका है, जिसके पास स्कैनर ना हो तो इधर से कर सकते हैं, ठीक है। इन केस एक और चीज़ देख ले, ये सारा कुछ ठीक हो, ये भी ठीक हो फिर क्या मसला सकता है इसमें, EBS भी ठीक है, सेंसर भी ठीक है, EBS से मुराद की ये भी ठीक है, सेंसर से मुराद ये भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, फिर भी कूड़ा रहा, फिर क्या मसला सर, ऑयल भी पूरा है, ब्रेक स्विच भी ठीक है, कंप्यूटर इसका ठीक होगा ना इसके अंदर, कंप्यूटर भी ठीक है सर, इसके मेन कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, एक दो तार रहती है, अच्छा वो कल वाले वायरमैन को लिखवाया था, फिर वो एक तार रेस के लिए होती है, दो तार कंप्यूटर से है, स्पीड के लिए नहीं, नहीं स्पीड के लिए एक्स्ट्रा पे लोगों को 3 बजे बताया था, अभी बताता हूं, ठीक है, उनमें से दो वायर स्पीड के होते हैं, यस सर, ये सारा कुछ ठीक है, फिर ब्लैड आर पर क्या मसला सकते हैं, ये भी ठीक है, EBS भी ठीक है, सेंसर भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, ऑयल भी ठीक है, ब्रेक स्विच स्विच कंप्यूटर सारा कुछ ठीक है, फिर भी लाइट आ रही है, फिर क्या मसला सकते हैं, टायरों में हवा कम है, टायर का तालुक है ये उसके हवा के साथ, किसी को आता है जिसने बताया उसको स्टिंग पिलाऊंगा, आपके अंदर मसला था, ठीक है, आपके अंदर गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी के ऊपर सेंसर लगे होते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, जब भी गाड़ी रगड़ जाए या इसके अंदर कोई कचरा आ जाए तो सेंसर को रीडिंग नहीं मिलती, पूरा हब चेंज करना पड़ता है, ठीक है, सर ये ख़राब हो सकती है, ख़राब होता है, पूरा हब चेंज करना पड़ता है, अक्सर ये लोग इससे निकाल भी देते हैं, अक्सर पूरी गाड़ी जो है ना कटे में जोर से लगती है, तक भी मसला आ जाता है, वो खींचना पड़ता है,